السلام عليكم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد صلى الله تعالى على حبيبه محمد وسلم صلى الله تعالى على حبيبه محمد وسلم صلى الله تعالى على حبيبه محمد وسلم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم या कैम असलकुम वरहि वबरकू अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान के साथ बड़ी तेजी से सफर कर रही हैं तो मेरे ख्याल में आज का ये चौदहवी चौदवा रोज़ा मुकम्मल हुआ रमजान की चौदह तारीख मुकम्मल हुई और अब हम अबम रमजान में हैं। जब स्टार्ट किया था लग नहीं रहा था कि हम लोग कितना इसको कंटिन्यू कर पाएंगे गुफ्तगु के सेशन की बात कर रहा करूँ लेकिन अल्लाह ने किया कोई तरतीब बन गई वक्त की तरतीब ऐसी बन गई कि शहर और मेरी जो है ना अवतार और तरावी के दरम्यान में वक्त मिल गया और आपका अवतार के बाद का वक्त मिल गया शहर के बाद का अपना तरावी के बाद का वक्त मिल गया आप लोगों को तो इसमें गुफ्तगु भी हो जाती है हम लोग देख भी लेते हैं डिस्कस भी कर लेते हैं तो अल्लाह ने बड़ा फजल किया बहुत अच्छे तरीके से रमजान अब तक गुजर रहा है कैफियात और ये चीज़ें हैं जो जरा इसमें तब्दीली आएगी आती है तो उसकी वजह से बहुत सारे मसाइल सामने आते हैं तो कैफियात को न्यूट्रल करना बड़ा बहुत जरूरी है चाहे आप गम के कैफियत में गुस्से की कैफियत में थकावट की कैफियत में है या उकताट की कैफियत में है या खुशी की बहुत ज्यादा कैफियत में है या कुछ भी ऐसी कैफियत है जो आपको लगे बड़ी हुई है तो उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है या ज़्यादा पानी तो पी नहीं सकते तो भाई यही है कि एक्सटर नफल के ऊपर खड़ा हो जाए आदमी ये ताज़ा वज़ू कर ले ताज़ा वजू करे उससे आधा मसला हल हो जाता है आधा क्या पौना हो जाता है और बाज तो पूरा ही हो जाता है ताज़ा वजू किया और साथ में दो रखात ना पढ़ ली या भक्ता है नमाज का तो पूरी नमाज पढ़ ली तो उससे ये है कि कैफियात से निकलने में आसानी होती है और ये कैफियात उन लोगों की बढ़ जाती हैं जो इस प्रोग्राम में थोड़ा सा आगे इस तरीके से जा रहे हैं जिस तरह हदायत दी जा रही हैं तो उसमें एहसास हो जाते हैं कैफियात के मामले में क्योंकि उनकी नींद भी कम हुई हुई है है ना ऐसा आहिस्ता नींद कम हो गई गजा जो उनकी तलब है वो बढ़ी हुई है जबकि गजा कम कर दी गई है ये। तो जितनी जल्दी इसकी इतला से छुटकारा पाएंगे उतना आपको अच्छा लगे उसको रिपीट मत करें उसको दोहराए मत मत ऐसा ना करें कि भाई आप ये सोचते रहें कि यार आज मेरी नींद ही पूरी नहीं हुई जैसे रमजान के शुरू में होता ना यार कहीं भूख ना लग जाए प्यास ना लग जाए कहीं भूख लग रही है मुझे प्यास लग रही है यही सोचते रहेंगे तो रोजा कैसे गुजरता है तो फिर क्या करते हैं आप लोग भूलना सीख जाते हैं ऐसे ही ये भूल जाए कि आपकी नींद पूरी हुई है कि नहीं हुई भाई अपना काम करो ठीक है इसी तरीके से बाकी जो तकाजे बड़े हुए जो तकाजे हैं उनको भी थोड़ा भूल के आगे चले तो उनको इसी तरीके से भूलना पड़ेगा उसकी हम नजर रखेंगे तो वो क्या होगा वो ख़्याल रिपीट होता रहेगा बार बार आप रिकॉल कर रहे हैं ना खुद से रिकॉल कर रहे हैं तो इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए आगे की तरफ सफ़र करें इंशाल्लाह आपकी नींद कम हो चुकी है हिदायत आप पढ़ ही रहे हैं नहीं है तो कल और परसों परसों शेयर की गई थी वहाँ पे चेक कर लीजिएगा मतलब बारहवें इस को हमने शेयर किया था मेरे ख्याल में उसने शिंग के आस पास की जो पोस्ट होगी मुलाकबाल के फ़ेसबुक पेज पे तो वहाँ पे आप देख लीजिएगा वहाँ पे ये हम लोगों ने डाला हुआ है इस प्रोग्राम को कैसे फॉलो करना है इस प्रोग्राम का नाम है अल्लाह की तजल्ली का ददार रमज़ानल करीम में अल्लाह ताला की तजल्ली का दीदार कीजिए ये प्रोग्राम का नाम है और उसके पम्फलेट बनते हैं मरकज़ से हमें मौसू होते हैं मेरे पिर मुर्शद हजूर ख्वाजा शहदिन नज़ीमी ने इसको तरतीब दिया हुआ है सालों से हम लोग कर रहे हैं और ज़रूरी नहीं कि हम हर साल करें हम हर साल नहीं भी कर पाते पूरा पूरा फॉलो नहीं कर पाते पर जितना फॉलो कर सके इतना अंदाज़ा हो जाएगा आपको एक आदमरतब पूरा फॉलो करें ना आपको अंदाजा हो जाएगा कि नींद कम करने से कितने फ़ायदे होते हैं गैर जरूरी बड़ी भी हैस खाने की उसको कंट्रोल करने से कितने फायदे होते हैं है ना गैर जरूरी ये टीवी देखना और क्या कहते हैं सोशल मीडिया यूज करना हर वक्त मोबाइल देखना स्क्रीन स्क्रीन को हर वक्त देखना तो जब आप ये स्क्रीन देखते रहोगे तो अपनी वो ख्याल वाली स्क्रीन कब देखोगे कहीं बैठेंगे तो आपकी आंखों का आगे मनाजिर चलेंगे ना असल में होता ही है कि लोगों को इतना लोड है दबाव है डर खौफ है इतना कि वो उसको सोचना नहीं चाहते तो भूलने के लिए स्क्रीन को इस्तेमाल करते हैं है ना तो आप उस तरह उमत सोचें ना आप अच्छी तरफ सोचें आप जहन को अपने वहां रखें जहां पे अल्लाह मियाँ है अल्लाह की तरफ से अच्छी अच्छी बातें आ रही हैं अल्लाह ने देखो कैसे कैसे घुमा के किस तरह बच बचा के आपको तो यहाँ तक पहुँचाया है ना आगे भी अल्लाह खैर ही करेगा देखो तो मेरी उम्र भी अच्छी खासी होगी पचास से तो होगी है ना तो आप भी सीनियर्स भी हैं बीच में ठीक है लड़के भी हैं लड़के जो है वो हम सीनियर से सीख लें अल्लाह ने बच बचा के ऐसा वैसा करके पता नहीं किन किन हालात से गुजार के इन उम्रों तक पहुंचा दिया आप भी पहुंच जाओगे बेफिक्र और ठीक पहुंचोगे खैर खरी से पहुंचोगे ठीक है तो जो सीनियर्स हैं मेरे दोस्त हैं यकीन वो भी देखते ही हैं कि अल्लाह ने हमेशा अच्छा किया और आइंदा भी अच्छा करेगा आपको इस वक्त से भी गुजारेगा मुख्तसर सी बात यह है कि अपना फोकस जो है अपने रमजान करीम के ऊपर रखें आप ये जहन में रख लेंगे ना कि ये बाकी सब चीज़ें शैतान कर रहा है आपको बहकाने के लिए आपको डी ट्रैक करने के लिए ताकि आप रोज़े से हटे हैं ताकि आप एक सुसुई से हटे हैं मुराकबे को छोड़े हैं या रफ्तारी के चक्कर में पड़े हैं रफ्तारी करवानी ही करवानी है ना होता है ना उसका बेस्ट जवाब होता है भाई मैं अहतकाफ़ में हूँ अल्ला अल्लाह अल्लाह खै आखिरी अशर में भाई हम अहतकाफ़ में बस ना हमारी तरफ कोई आए ना कोई जाए ठीक है उसके अवतार खिलानी चाहिए बहुत बड़ी नेकी है ये अफार की तो क्या बात है भूखे को खाना खिलाना खासतौर पे अफ्तार के मतलब रोजेदार को खाना खिलाना इससे बड़ी क्या नेकी है अब ये ना नेकी के चक्कर में आप अपना, अपना रोजा ही भूल जाए अपना रोजा खराब कर बैठे तो क्या होगा वो तो नेकी नहीं पड़ रही वो आपको भारी पड़ जाएगी तो उससे मुराद कतन ये नहीं है कि आप लोगों को अफ्तारियाँ ना करवाएं करवाएं बिल्कुल करवाएं पहले अशरे में करवाएं उसके बाद निजाम बना ले अगर बड़े लेवल पे करते हैं बहुत सारे इदारे जैसे बड़े बड़े लेवल पे हमारे मरकज में इतनी बड़ी अफ्तारी होती है ठीक है ना पर वह मुनम निज़ाम है वहाँ पे हजारों की तादाद में लोग खाते हैं वहाँ पे सालों से बड़ा लंगर लगा हुआ है है ना मकामी आबादी भी आती है वहाँ के जो करीबी अजीमियों के जो घर हैं वो भी वहीं पर फिर आ जाते हैं फिर वहीं पे वफ्तार वगैरह करते हैं बड़ी मजे मज़े की चीजें बनाते, है बनाते हैं जी वहाँ पे है ना बनाते हैं खाते हैं और खिलाते हैं तो लेकिन इसके बावजूद अपने फोकस तो खराब नहीं करते एक जिसको कहना चाहिए एक ऑर्गेनिक सा सिस्टम बना हुआ है जल्दी से वो काम होता है जल्दी से वो लोग अफतार करते हैं उसके बाद नमाज पढ़ी और उस तरफ फोकस हो गए हमारे असल में होता ही है कि पूरा पूरा दिन उस अफतार की तैयारी में लगा देते हैं आम नॉर्मल घर की तैयारी में भी और पूरी पूरी रात ये सोचने में लगा देते हैं कल क्या पकाना है कल क्या तारीख करनी है ठीक है तो बस इससे अवॉइड करने के लिए मैंने कहा कि बस और सबसे अच्छा तरीका क्या था पर बाबा का भी तरीका ये था शबान के महीने में तमाम तैयारी मुकम्मल कर लेते रमज़ान की शॉपिंग भी मुकम्मल ईद की शॉपिंग भी मुकम्मल बच्चों के कपड़े वपड़े कहते थे सिल के आ जाते थे जो कुछ करना है चाहे आप लंगर कर रहे हैं ना वो पहले से अरेंज कर रहे हैं पहले बाजार वजार का चक्कर ये ये नहीं करना चाहिए इसलिए नहीं कि आपको रोजा लग जाएगा इसलिए कि उसके चक्कर में आप अपना रोजा खराब करेंगे ना तोज्जो हटेगी टाइम ज़ाया होगा तो सब कुछ आपने पूरा कर लिया सुकून से बढ़ी अल्लाह खैर करेगा इन जिन जो बहुत सारे लोग हैं मेरी तरह के हैं मुसाफिर हैं और बहुत सारे लोग हैं जो मेरी तरह के जिनको रया रोज़ कमाना होता है रोज़ खाना होता है उनको मसाइल होते हैं बच्चों के लिए अल्लाह उनको भी खैर और बरकत दे इंशाल्लाह वो भी निकल जाएंगे वो भी पूरा हो जाएगा है ना सबकी ईद भी हो जाएगी ईद भी हो जाएगी और सब अल्लाह मियां खैर करेगा इंशाल्लाह शह बस उसकी तरफ जहन को रखें अल्लाह की तरफ रखें अस्कार जारी रखें रात का दुरूद शरीफ जो अर्ज़ किया मैंने वो लाजमी पढ़ पढ़ के सोया करें और इंशाल्लाह शहर वफ्तार को कंट्रोल रखें नींद को कंट्रोल रखें यकसुई बढ़ती जाएगी नमाज में भी यकसुई किसी वक्त भी मौका आ सकता है अचानक आपको कुछ महसूस हो दुआ में भी आ सकता है नींद में भी आ सकता है मुराकबे में भी आ सकता है जिक्र के दौरान भी आ सकता है तो ये कुछ भी नहीं कह सकते कि क्या आपकी फीलिंग एक लम्बे के लिए, लिए कुछ हो सकता है क्या आपको कुछ फील हो अचानक बाज़ का लगता है कौंदा लपका है रोशनी का कभी लगेगा झटका सा लगा ऐसे ये सब रूहानी कैफियात होती है इसके मतलब से कुछ चीज़ फील हुई है आपको बाद लोग मनाजर देखते हैं खासतौर पर ख्वाब में पूरे मनाजर को देखना बाद लोग बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और वो अपने बुजुर्गों को देखते हैं जो गुजर चुके हैं ठीक है मियाँ हम सबको अपनी अफसोमान में रखे मियाँ हम सबको खैर वरकत दे जो भी जिसके जो भी मामलात हैं अलामी उसमें आसानी करें आप भी दुआ किया करें मैं भी इन शुआ करूँगा असल वरहमल वबरकू जी Jeez. जी सर वो मैं चाह रहा था कि कल वाली गुफ्तु थोड़ी सी हो जाए कल हम थेज वहां पे के फ्री रेडिकल्स की तरह ये और घूमता है अपनी बॉडी से कांटेक्ट उसका वक्ती तौर पे खत्म होता है और लेकिन वो करंट जो होता है वो चल रहा होता है अच्छा इसको खत्म होना तो नहीं कहेंगे लेकिन ये वो थोड़ा सा जैसे होता ना आप ऑफिस में ही बैठे हुए हैं काम ही कर रहे हैं

अक्सर देखा होगा कि क्लास में बैठे हुए पचास साठ लोग या किसी भी महफिल में पचास साठ लोग बैठे एक बंदे ने जमाई दी नींद की भी। किया मुंह खोला है ना चाहे वो आगे बैठा हुआ किसी ने देखा भी नहीं इसको लेकिन थोड़ी देर में पूरी महफिल में लोग कहते हैं लो जी नेस्ती मत तलब सब लोग शुरू हुए थे हाँ ये क्या होता है हो उन एक्टिविटीज को देखता है दूसरे देखता है कि अच्छा बेकार हो रहा वो देखता है अच्छा ये क्या कर रहा है ऐसा कुछ किया है वो भी शुरू हो जाते सारे तो वो आपको ख्याल मुंतकिल करता है जुमियाँ देने के इसी तरीके से महफिल के असरा होते हैं इसीलिए महफिल के असरा इसी तरीके से जब आप देखते हैं एक एक नमाजी है दुआएं मांग रहा है तो वो आपका भी रहा करवाने की कोशिश करता है उसको कोशिश करता है और आपको इस बात पर मजबूर करता आपका भी उतना रहा हो जाए जितना इसका हुआ है इसीलिए तो कहते हैं कि महफिल में कोई भी किसी एक ही बंदे की भी दुआ पूरी हो जाए तो बस बस सब पूरी महफिल की दुआ पूरी होगी उसकी वजह यह रोशनी के जिसम है। रोशनी का एक होती है और है। हमारे हम आपको पता है हम दो रुखों में रह रहे हैं एक वो रुख है जो हमें नजर आ रहा है ये जमीन ये ठोस जमीन और ठोस बंदे ठोस दरख ठोस पहाड़ फिर एक ये सीख इन्हीं के बने हुए रोशनी के जिसम है ठीक है जो ग्राफ कितना सतह बनी हुई है तो ये उसके ऊपर बने हुए सारे और वो उसके अक्स है रोशनियों के बने हुए अक्स है ठीक है तो उससे मुस्फीद होता है हो और उसकी एनर्जी उसकी मार्क कहना चाहिए ना मार्क कितनी दूर तक मार करता है कितनी दूर तक देख सकता है जितने अस्कार उसके अंदर जमा होंगे जितने अच्छे अमाल जितने अच्छी कैफियात इनमें से कोई एक या तीनों जितने वो जमा होंगे तो वो उसके अंदर एनर्जी बढ़ती जाती है तो मूमन लोगों के पास जो चीज़ बड़ी भी होती है सलाहियतें हैं वो और की सलायतें होती है लोग समझते हैं रूहानी है ये सलाहियत है अच्छी आवाज अच्छा दम कर लेना सेहत, मत सेहत दे देना है ना अच्छी दवा तजवीज़ कर लेना कोई रूहानी कैफियात भी होंगी इसमें होती हैं लेकिन ज़्यादातर तो ये और की एक्टिविटीज़ हैं इसको हम कह सकते हैं मादी नहीं लेकिन गैर मादी किस्म की एक्टिविटीज़ हैं ये दम करना तावीज़ वगैरह तवज्जो करना ये सब चीज़ें और आग के जरिए मुमकिन होता है ठीक सर ठीक है इस दूसरा सवाल है सर देखने के मुतालिक कुछ चीज क्लियर करना चाह रहा था कि मेरा जो देखना है मैंने कल आपने एग्जांपल दी कि आंख बंद करके भी देखा जा रहा होता है तो उस जिस वक़्त आंख साके होती है तो उस वक्त कोई और चीज बंदा देख रहा होता है फिर जिस वक्त आंख साकिन नहीं होती तब ये सामने की चीजें जो होती हैं ये होती हैं तो बाज इन दिनों कुछ ऐसा हुआ जैसे दौरान जिक्र या बैठे हुए कुछ लम्हों के लिए नजर कहीं ठहर गई या सामने से वो हो गई तो वो जूं ये नजर साकित हुई तो चीजों का जो सामने की चीजें थी हालांकि आंख खुली हुई थी लेकिन ये चीज देखिए ना देखिए जैसे दिल की धड़क अभी होगी सवाल होगी हो गया हो हो मुकम्मल सर ये मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये जो पलक है इसके इसके झपकने का नजर और निगाह का क्या कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है देखें एक आगे नजर होगी एक होगी निगाह हो ना जी निगाह हल्का सा बता दिए कि वो जो तस्वरती आंख है जो देख रही जिसको आंख कहते हैं असल आंख वही है ठीक है उसको निगाह कहते थीक हैं वो अच्छा जो चीज सब कुछ चेक कर रही तबीयत खराब है क्या चीज कौन सी चीज बताती है तबीयत खराब होना क्या है मैंने क्या कहा आपके पेट में कुछ हो रहा है आपकी निगाह वो जो अंदर वाली आंख है ना वो पेट में आके फंसी हुई वो इसी को देखी जा रही है तो वो इन्फॉर्म कर रही है कि यहाँ को गड़बड़ हो रही है ठीक है उसी को तब्दील करने का नाम इलाज है वक्ति इलाज है लेकिन चलो इलाज है या तो पेट को ठीक करेंगे ये की निगाह को हटा देते हैं ठीक है तो हम क्या बात कर रहे थे ये सर आंख का साकिन होना और फिर उसका हाँ ये सब मादी हरकात का निशानी है दिल का लुप डुप करना अगर वो हरी लुप करके रुक गया खत्म या तो डेथ है या लाशूर में जाना है ऐसी सांस का अंदर बाहर होना इन आउट होगा कुछ चीज इन आउट होगी लुप डुप होगा पलक झपकेगी ऑन ऑफ होगा तो ये सब अलामतें जिंदगी की लामते हैं। इसका मतलब आप शहर में जब आप बंद करते हैं बाहर तो खोल तो तो जा रहे हैं आपकी आंख टिकी हुई है टिके 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 आप खला की तरफ आपका जहन चला जाता है अब उसके खला की तरफ जाना इसी तरफ आप आंखें बंद करके भी यही करते हैं जब आंख बंद करके बैठते हैं तो वो जो ती तो चीजें हैं वो आपकी थोड़ी देर में अगर टिकटकी बंदी हुई आपकी अगर आपने यहाँ निगाह रखी हुई यहाँ पे यहाँ पे और साकित रखा हुआ है आपको निगाह को भी यही देख रहे हैं दाएं बाएं की चीजों को नहीं देख रहे तो क्या होता थो थोड़ी देर में डिस्पर्स होना शुरू होती है वो तहलील हो के खत्म हो जाती है आपको लगता हुआ है ही नहीं अब आप आंखें बैठ के यहाँ टिकटकी बांध लेंगे थोड़ी देर में क्या होगा ये गायब होगा साइड की चीजें गायब होंगी फिर मोबाइल गायब होगा फोकस हो जाएगा मेरे पे फिर थोड़ी देर में मैं भी गायब हो जाऊँगा फिर मेरी आवाज़ भी गायब हो जाएगी है ना इसीलिए तो कहते हैं ये सब सब फिक्शन है है ये सब है जो हम देख रहे हैं इसके पीछे जो है 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 वो ओरिजिनल उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती साथ है और ये यही मुराकबे की कैफियत है यही मुराकबे की प्रैक्टिस है ये जो आप कह रहे हैं ना जो आपने किया आंखें बंद करके यूज कर रहे होते हैं तो जो चीज आ रही है इसको रोके भी नहीं लेकिन उसकी तरफ तो तवज्जो ना नहीं देते वो थोड़ी देर में डिस होना शुरू हो जाएगी ठीक है वो जब डिसअपियर हो जाएंगे तो आप बिल्कुल एक ला वाली कैफियत में बेख्याली वाली कैफियत में हो गई जब आप वहां पे होते हैं तो वहां पे जो चीज ख्याल आता है फिर वो ओरिजिनल ख्याल है जिसको आप देखते हैं महसूस करते हो अच्छा ये ख्याल आया जब मैंने ये चीज देखी है ठीक है तो पहले तो आप खुद देख रहे होते हैं ना तो जो चीज आ भी रही है तो पता ही नहीं चल रहा कि क्या चीज आई है क्या नहीं है क्योंकि हमने उसके अंदर अपना तड़का लगाना शुरू किया होता है तो तड़का लगाने को रोकने को के लिए सांस की मशक बताई जाती है आंख के लिए आंख की मश्क बताई जाती है आंख के बंद करके बैठी एक तरह मुर्तगज करें निगाह को और उसके बाद जहन के अंदर ये तस्वुर बता दिया जाता है कि भाई जहन को भी जैसे तस्वुर शेख अमिया देख रहा है या अल्लाह के नार बरस रहे हैं जो भी मुराकबा आपका बनता है जब वो बताया जाता है ये सारी चीज़ें मिल के मुराकबा बनते हैं खाली मुराकबा ये नहीं है कि आप खाली थोड़ी देर के लिए ये एक मश्क करते हैं और ये मराकबा हो गया इसके बदले में इस मश्क के बदले में क्या होता है आपके अंदर मुराकबे वाली कैफियात पड़ जाती है आप पूरा दिन में मुराकबा कर सकते हैं हर हाल में आप कनेक्ट हो सकते हैं रह सकते हैं ठीक है तो इसका ये बहुत बड़ा ताल्लुक है और ये जब पिक्चर को इतला आएगी नहीं इतला आला आ रहा है ना तो जब वो ऐसे कर रहा है जब वो बंद होगा तो इतला आएगी कि ये सामने सफी भाई बैठे हैं ये मोबाइल है ना ये तार है अब मैं तवज्जो नहीं दे रहा इतला को मैंने रद्द कर दिया तो क्या होगा इतला नहीं आई तो वो चीज़ नहीं है ये वाजाम जिस चीज की इतला आ रही है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है उसकी तरफ जब आप बार -बार तो भाई जी आप तवज्जो देंगे तो आपको भूख लगे जा रही है रोजे में जब तवज्जो नहीं दे रहे तो नहीं लग रही पता ही नहीं है चल आपको चार घंटे और गुजर गए ऐसा होता है ना जी सर तो ये जो तवज्जो है अगर ये तवज्जो गड़बड़ कर रही है तो उसको आंख के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ रख के या आंख रखे तो क्या होगा थोड़ी देर में इसकी जो ज्यादा ख्याल की जलगार है वो देखिएगा वो रुकना शुरू हो जाएगी और सबसे बेस्ट जगह होती है मैंने एक दफा इसको पाकिदा में कॉलम लिखता था बहरहाल वहां लिखा था मैंने कहा था नीचे निकाह इमरजेंसी लॉक बिल्कुल इमरजेंसी हैंड ब्रेक की तरह आपको लगानी पड़ जाए देखने लग जाए

गुस्सा या जो भी है वो इनशाला इसमें डिस्पर्स हो जाएगा ठीक है ठीक सर और कोई बात और सर ये जब इस तरह से चीज होती है तो आवाज का सुनाई देना भी बंद होता है हाँ हाँ तो भाई ख्याल ही नहीं आ रहा ना मतलब तो तो वो जो इतला है इतला मुतासिर हो कर दी ना तो उसका हिस्सा है ना देखिए मेरी जो शख्सियत है मेरी चाहे मैं गूंगा भी हूँ मेरी शख्सियत में मेरी आवाज साउंडलेस आवाज जो है उसका हिस्सा है ना वो आप आपके अंदर आप समझ रहे मेरी शक्ल के साथ मेरी आवाज मेरा बोल चाल का अंदाज सब कुछ मेरा हिस्सा है ना पर्सनालिटी जब आप लॉक कर दिया तो बस मेरी आवाज भी गई और मेरी शक्ल मेरी तस्वीर पहले जाएगी आवाज बाद में जाएगी ठीक है सर ठीक है सही ये बड़े को टेक्निकल सवाल की तरफ मुड़ गया आज जी सर मैंने कुछ ज्यादा ही टेक्निकल सवाल की तरफ मुड़ गया था आज आप सर ये दो तीन दिन में ना तीन चार दफा रिपीटेडली ये चीजें हुई है ना मतलब एक दफा जिक्र के दौरान बैठे बैठे ही बस नजर खुद बखुद साकित हो गई और काफी देर साकित दे रही और फिर सब कुछ ही गायब हो गया ना कुछ सुनाई दे रहा ना कुछ दिखाई दे रहा तो एक दफा तो मैंने अपना वहम समझ के इसको नजरअंदाज कर दिया फिर दो तीन दफा हुआ तो मैंने कहा आज आपसे मैं इस चीज को पूछूंगा ये पलक का झपकना आंख का साकेत होना निगाह का देखना इनमें आपस में क्या ताल्लुक बन रहा है नहीं ये सब इसका हिस्सा है और अगर आप डिस्टर्ब हो आपको लगे कि ये नहीं होना चाहिए तो आपको थोड़ा मीठा खाना चाहिए तो ये चीजें कम हो जाएगी तरीक। ठीक है अगर आपको शुगर है अगर कितने शुगर से बात को कंट्रोल करते हुए केयर <laughs> से बात थोड़ा सा कुछ समझ में आया होता चाहिए <laughs> लेकिन शुगर को कंट्रोल करते हुए मैंने साथ में इसीलिए कहा सही क्या चलो और कुछ को, और कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम सर जी वालेकुम सलाम सर शबीर बात कर रहा हूं आफताब से जी क्या हाल है शब्बीर भाई अल्लाह का शुक्र है सर आपकी दुआएं सर मेरा सवाल आज ये है कि जब भी सर मैं मुराकबे के लिए बैठता हूँ तो जब वो असभाग पढ़ता हूँ तो सबूर शेख अब्बा जी के करता हूँ तो सर उसमें कोई आज तीन चार मिनट या पांच मिनट के बाद कभी लेफ्ट आई पे कभी राइट पे इस तरह मुझे लगता है किसी जिस तरह पानी पहले कोई छींट सा लग जाता है इस तरह का तो ये कैफियत तो मुराकबे में होती है और ये जो है ना नमाज में होती है ना जिक्र में ये स्पेशली मुर, मुराकबे में क्यों होता होता है 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 और अगर तो गुड साइन कि देखो है तो गुड साइन तो ही है और होता क्यों है ये यार मैं खुद इस इस टाइप के एक्सपीरियंस से गुजरा जरूर हूँ ये नहीं कि नहीं गुजरा लेकिन आपको मुस्तकिल अगर हो रहा है आपको चाहिए इसको लिखे कैफियत को मरकज की तरफ भेजना चाहिए कुछ हिदायत अगर मिले तो गुड साइन है तो मजीद कुछ एक्स्ट्रा हिदायत मिले तो आके इसकी तरफ जाए तो होता मेरे हाल में ये है कि जब वो कैफियत आपकी तरफ आती है कुछ भी कुछ भी ऐसी चीज या कुछ ऐसी चीज आती है जैसे आपकी बॉडी को टच करती है और आप इतनी देर में मुतवजह हो जाते हैं जैसे मुतवज होते हैं उस पूरी चीज़ को आप आ नहीं लेने, आ लेने नहीं दे रहे तो वो आपको लगता है कि जैसे कुछ चीज ऐसे चकाचौ होकर खत्म होगी अगर आप बिल्कुल कंट्रोल करके बैठे हुए तो वो चीज टकराएगी आपको लगेगा किसी ने पानी का छींटा फेंका आप लेकिन उसके बाद रोशन भी होगा ये मजीद स्टेप जो भी होने इसके वो होने वो होंगे तो मेरे ख्याल में इतने ज्यादा वो एक्टिव बैठे हुए होते हैं जैसे होता है आप एकदम मतवज होते हैं उसकी वजह से वो वो आधा काम होकर रुक जाता है ये मेरा ख्याल में मेरा ख्याल में ऐसा होता है तो मुकम्मल नमाक के साथ बैठे सुकून तसली के साथ बैठे और बिल्कुल जम के बैठे निगाह को जमा के बैठे कोई चीज भी आई तो आके पूरी आपके सामने आएगी अभी वो इंटरव्यू होती है आप एकदम मतवो हो जाते हैं उस आती हुई चीज़ की तरह मतवज नहीं होना आपने वहां पर नजर रखनी है जो चीज आएगी वो चीज वही आएगी उसने गुजरना वहीं से समझ रहे अगर यहाँ से भी आएगी तो यहीं से गुजरेगी यहाँ से भी आएगी यहीं से गुजरेगी अक्सर तो ख्याल यहाँ पैदा होता है यहाँ पे यूं पैदा होता देखें और आप यहाँ बतोचे हो जाते हैं आ गई ना अब आप अब आप यहाँ नहीं देख रहे अब आप यहां देखते हैं इस पॉइंट को फिर वो आते आते नीचे आता है फिर वो और चीजें शक्ल बनाता है ऐसे ही होता है ना ऐसे देखे जा रहे हैं देखे जा रहा है वो पता ही नहीं चला अब आप मुराकबे से बाहर हट चुके हैं लोग कहते हैं मैं बीस साल से मुराकबा कर रहा हूँ कहाँ कर रहे हैं साल अपने ख्याल देख रहे हैं आप अपनी जो बनाई है आपने वो देख रहे हैं आप यही नमाज के साथ होता है नमाज में भी यही हो रहा है ना भाई नमाज क्या है बड़ा है ना वो जी सर मराबा कितनी करवाया जाता है आपकी नमाज के अंदर आपकी वो बढ़ जाएगा आप देखें हाँ जी मैं अल्लाह के सामने खड़ा हूँ अल्लाह के सामने अल्लाह का जिक्र पेश कर रहा हूँ अल्लाह की सना पेश कर रहा हूँ अल्लाह की तारीफ पेश कर रहा हूँ है ना ये है ना इबादत तो

मैं बैठता हूँ तो जब आंखें खुलती है तो चालीस मिनट पचास मिनट इस तरह के गुज़र ही जाते हैं है। यही तो, है। तो बहुत अच्छी बात जारी दे। दिल लगा के बिल्कुल जम के करें इनशाला बहुत अच्छी कैफिया आपकी और लिख के वो मरकज को भेजे ना ठीक है सर ठीक है सर ठीक है सर बहुत शुक्रिया सर थैंक यू बहुत शुक्रिया

ये रमज़ान भी एक ग्रेजुअल प्रोसेस है शायद आज से पाँच साल पहले कुछ और तरीके से था अब और है इस दफ़ा जि, जिस जो चीज़ बेहतर लगी कि शुरू रमजान से ही एक अच्छी लुत्फ़ कैफियत बन गई शुरू से ही मतलब वो जो पहला आशरा जो होता था वो एक तको दो में गुजरता था वो उसकी फीलिंग ना हुई ऐसा लगा कि शुरू से चीज़ें स्मूथ हैं और चीजों को छोड़ने में बहुत आसानी महसूस हुई गुजशत सालों की नस्बत तो तो मेरे ख्याल में वो मैंने शायद आपको याद हो कि मैंने और आपने हम दोनों ने अकेले एक रमजान की तीस रातें कट्ठी जब आपके पास वो गोल्डन ऐसी थी हाँ हाँ याद है मुझे हम, तीस के तीस और, दिन साथ गुजारे थे हमने तीस से तीस रोजे गुजारे थे तो शायद उसकी बरकत अब तक चल रही है कि उसके बाद से मुझे फील होना शुरू हुआ कि हर आने वाला रमजान बनस्बत पहले से एक बेहतरी की तरफ लेके जाना शुरू हुआ तो वो एक अच्छा मतलब मुझे इस दफा बहुत खुशी और एक अच्छी कैफियत से वास्ता पड़ा और जबर और बाजुका तो मैं कहता था यार सर ने ये क्या कह दिया अब ये भी करो <laughs> वो वो चीज़ नहीं है वो मतलब उसके अंदर एक खुशी की कैफियत है और एक अच्छा मतलब अच्छा लग रहा है शायद मैं, आ, मैं जब छोटा ही था क्योंकि चूंकि बचपन से हमने देखा हिरो मुर्शिद का घर देखा पहले घर में जा मैं मुकबा वगैरह होता था महफिल होती थी अब हमने अफतारियां वहां पे देखी शनशाहों की तरह उनकी अफतारी होती है मतलब शंजाओं से महाराज ये बेताशा लोग हैं खुली अफतारी खाना खास तौर पर पुलाव जो इम्पोर्टेंट जो अफतारी होती है उसमें लंगर के लिए पुलाव होता था अच्छा मैंने कभी वहां पे हिरस नहीं देखी ये परेशानी नहीं देखी अच्छा फ्तारी की नहीं होगी तो क्या होगा ये रोजा है रोजा है, है। मैंने किसी को गर्दान करते नहीं देखा कि रोजा है रोजा है अब मैं अब उस बचपन के अंदर की बात बता रहा हूं अब मैं बच्चा होते हुए जब मैं इस माहौल को देखता था बाहर में बाकी को माहौल देखता था खाली रोजे की बातें होती थी कि मेरा रोजा है रोजा खत्म नहीं हो रहा रोजा कम नहीं हो रहा मैं तो क्रिकेट खेलता था धूप में लू कराची की लू क्रिकेट हॉकी खेलते थे लोग बोलते थे भाई लोग इसमें पता नहीं क्या कुछ करते हो तुम लोग नए नए काम निकालते हॉकी में और सकता आदमी हम हॉकी के मैच रखते थे बताओ हमें पता ही से... नहीं बचपन था हमें पता नहीं चलता प्यास बहुत लगती थी ये नहीं है लेकिन मैं ये देखता था इतना रिपीट क्यों करते हैं अच्छा फिर सारा दिन वो यही अफतारी में ये खाएंगे वो खाएंगे फिर वो अफतारी खाते भी थे और हमें ना, ना प्रभाव होती थी ना हमें पता लगता था आप समझ रहे हैं बात फर्क को जी जी बिल्कुल मुझे उस वक्त से ये प्रॉब्लम मुझे लगती थी कि यार ये इसके ऊपर थोड़ा सा काम करने की जरूरत है कोई करे मुझे नहीं लगता था कि मैं मुझे भी अल्लाह कुछ काम करवाएगा नहीं चीजों पे कि भाई तुम कर लो बाकी क्यों करें करे तो किसी ने कहा कि हमने, किसी ने किसी की गुफ्तगु सुना था तो उसने कहा कि हम नहीं हम बड़े वो बनना चाहते हैं मुजाहिद बनना चाहते हैं हम चाहते हैं हमारे यहाँ हम हम लोग मुजाहिद हों तो मेरे घर में नहीं पड़ोसी के घर में हमारे घर कायदे जैसे लोग हों मेरे घर में नहीं पड़ोसी के घर में इर्द गिर्द में अकबाल की सोच के लोग हों खुद मैं नहीं मेरे आस पास तो, तो बहरअल तो फिर ये हुआ कि जब इस नफसियात पे थोड़ा गौर किया तो फिर समझ में आने लग गई कि यार ये तो हाँ इस पे काम करने की जरूरत है असल में किसी ने उनको गाइड किया नहीं उनको यही पता है कि बस अवतार करनी है उसके बाद बेताशा खाना है बेताशा पीना है उसके बाद दिल के 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 साथ स्पीड के साथ साथ स्पीड तरावी पढ़नी है खड़ी होने सुनना है कुछ सुनते हैं कुछ नहीं सुनते कुछ तो पढ़ते नहीं पढ़ते ठीक है, है वो भी ठीक अमल और उसके बाद बस बेहोश होके खाना खाना वापिस आके फिर बेहोश होके सो जाना है शहरी में उठना है कि कहीं शहरी रह ना जाए इस डर खौफ के साथ ठीक है कि इसलिए उठना है कि सहरी खाना जरूरी तो है, है इनशाला जरा सुनत भी है और कहा जाता है कि यहूदियों में हमारे उसमें फर्क ये कि वो रोजा नहीं करते थे हम लोग रोजा हम वो शहरी नहीं करते हमें शहरी करनी है रवायात है सही तो इन सारी बातों की जेरे असर क्या होता तो शहरी के लिए बहुत जब अगर किसी का रह गया अल्लाह जो अजाब बनाते थे घर वालों के लिए घर की औरतों के लिए है ना और मैं शो बगार उसके रखता था मैंने अपने आपको टेस्ट करना शुरू किया ना जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मैं मैंने कहा हसूल जो है ना बेऑन दी लिमिट है हमेशा देर जब तक अपनी लिमिट को आप टच नहीं करते ना उसके बाद आप एक स्टेप ऊपर रखेंगे तो आपको गेन होना शुरू हो जाएगा जैसे बॉक्सर मोहम्मद अली किसी किसी ने पूछा पुशअप्स कितने करते हैं उन्होंने कहा पाँच सौ नहीं, नहीं उन्होंने कहा था फिफ्टी फिफ्टी उन्होंने कहा पचास इतना बड़ा बॉक्सर से पचास उन्होंने कहा पाँच सौ के बाद पाँच सौ तो मेरी लिमिट है पाँच सौ मतलब में करता हूँ पाँच सौ में जब बिल्कुल लग रहा था अब नहीं होगा तो उसके बाद में फिफ्टी करता हूँ फिफ्टी पुशअप मतलब वो जो पचा, प, पचास आपने किए वो आपको गेन करता है तो मैं अपने आप को टेस्ट करता मैं से मुराद मतलब मैं नहीं मेरे मैंने बहुत सारे मेरे साथी मेरे दोस्त मेरे सिलसिले के भाई मेरे सीनियर मेरे जूनियर बहुत सारे लोगों को मैंने देखा उनसे इंस्पायर हुआ फिर डायरेक्ट मेरे चूंकि पीरो मुर्शिद मौजूद थे उनको हम देखते थे बहुत आसानी के साथ बगैर किसी झंझलाट के साथ बगैर किसी इजहार के साथ उन्होंने रोजे गुजारते हुए मैंने देखा तो मुझे बड़ा बड़ा आसानी लगती थी मुझे मुझे प्रॉब्लम असल में शुरू में ही कुछ नहीं हुआ मुझे प्रॉब्लम होती लोगों को देखता था यार क्या हो गया क्या मतलब <laughs> इतना मसला इनके लिए बना हुआ है फिर जब मैंने अब में आया और अबाद में रहता था यहाँ तो बहुत ही ज्यादा था ये मसला जी अरे भाई फिर तो आप सारे दोस्त है मेरे फिर आहिता आहिस्ता आपके जरिए मैंने सीखा और तो मेरे जरिए आप लोगों ने कुछ सीखा था चलो भाई बड़ी बात है तो अलहमदल आज हम यहाँ पे पहुंचे कि आप कह रहे हैं कि आप इंजॉय कर रहे हैं और कैफियत पहले दिन से मिल रही हालांकि कैफियत सबको पहले दिन से मिलती है रमजान की बरकत तो शुरू ना उस तवजो नहीं गई थी अब क्या आप मुतवजो हो गए इन और आपने इसके लिए मुजाह किया है मुजाह है आपने लर्निंग की है आपने क्या कहना चाहिए बकायदा तस्किया किया है उसके बाद ये सब कुछ हासिल किया है ना कि आप कम से कम यहाँ तक आए कि कम से कम फीलिंग्स तो आ रही है आपको तो इन श्री अच्छी फीलिंग आए हम सब क्यों याद रखा करें तो ऐसे नहीं कि खाली आपके साथ हो रही है हमारे जितने सुनने वाले हैं ना सबके साथ ऐसा ही हुआ मेरे है मेरे पास ढेर है मैसेज इसका अच्छा है अच्छा। अल्लाह ने बहुत कलम किया बहुत अल्लाह अल्लाह ने बहुत अच्छा रमजान गुजारा सबका सब ज्यादातर लोगों ने यही कहा उनको लगा कि जैसे बहुत मुख्तलिफ रमजान है क्योंकि मैंने शुरू में जो कहा था आप बिल्कुल मुख्तलि गुजरेंगे ऐसे ही है जी तो बिल्कुल ये बातें मैं सर इसमें करना चाह रहा जी सर साल पहले जब आप हम आपके दस्त शफकत में आए तो उससे पहले पता नहीं हमारे रमजान होते भी थे या नहीं होते भी थे हम रखते थे तो कैसे रखते थे लेकिन मैं इन ये कि सताइस सालों में आप की दस्त शफकत के लिए जब ने फजल किया और हम आ गए हैं सर तो हर रमजान दूसरे रमजान से मुख्तलिफ मुख्तलिफ अच्छे पॉजिटिव और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन से बेहतरीन की तरफ हम आ रहे हैं और इस दफा तो कुछ ज्यादा ही मजा आ रहा है पता नहीं अलहमद अल्हम्दुलिल्लाह देखें बस ये आप लोगों की मोहब्बत आप ऐसा कह रहे हैं लेकिन ये कोई ज्यादा मैंने कल ही अर्थ की थी मेरा इसमें क्या रोल है कुछ भी नहीं बस मैंने अपने तजुर्बा सामने रख के आपको शायद आपके ऊपर ये क्या करना चाहिए आपको इस बात पे तैयार किया कि आप ऐसा कर सकते हैं इसको महसूस कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं बाकी तो अल्लाह की दी हुई बरकतें हैं अल्लाह का दिए हुए फजल हैं अल्लाह की बरसती रहमतें हैं आप लो है? लोग इंजॉय कर, कर रहे हैं ठीक है सब लोग इंजॉय कर रहे हैं जब सब लोग इन्जॉय कर रहे हो तो हमें भी दो में याद रखा करें मैं भी आपके लिए दुआ रहूँगा असलकम व